तो देखो जैसे ही कल के दिन वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट होता है, एक नाम चारों तरफ सोशल मीडिया पे तांडव करने लगता है और ये वो नाम होता है जो असल में इस स्क्वाड में दूर दूर तक शामिल नहीं था। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन अपने गब्बर शिखर धवन की। देखो हर कोई ये जानता था कि जब भी वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम का अनाउंसमेंट होगा तो उसमें शिखर धवन का नाम नहीं होगा। लेकिन पता है मसला क्या है? देखो जिंदगी में ऐसी बहुत सी बुरी चीजें होती हैं जो हमको पता है कि एक ना एक दिन हमें फेस करनी होगी, लेकिन जो असल दुख होता है वो उस चीज का तभी होता है जब वो चीज असल में एग्जीक्यूट हो जाती है। देखो आज के वक्त पे हम सब ये जानते हैं कि हमारे जो बहुत नजदीकी लोग हैं वो एक दिन हमारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन आज वो दिन सोच के हम रोते थोड़ी रहते हैं, लेकिन जब वो दिन आता है तो भैया पूरा जो दिल है वो तहस नहस हो जाता है, धाराशाही होता है, हम अपने होश संभाल नहीं पा रहे होते हैं और बिलीव नहीं कर पा रहे होते हैं कि यह सच में यह दिन आ गया। तो कल का दिन वैसा ही कुछ काला दिन था जब वर्ल्ड कप 2023 की टीम का अनाउंसमेंट होता है और पूरे 10 साल बाद ऐसा होता है कि गब्बर शिखर धवन किसी 50 ओवर की आईसीसी टूर्नामेंट में शामिल नहीं थे। मतलब दिमाग खराब हो गया था और जो मन है अंदर ही अंदर ये कहने लगा था कि शायद हमने शिखर धवन को आखिरी बार नीली जर्सी में देख लिया है, अब वो बंदा हमें कभी भी दिखने नहीं वाला है। तो कुल मिला के अंदर से जो दिल है वो ये कहना चाह रहा था कि एक बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहिए, जी हाँ एक बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहिए यहाँ पे किसको, गब्बर शिखर धवन को। क्योंकि गब्बर शिखर धवन को यूं ही मिस्टर आईसीसी नहीं कहा जाता है। अगर आप 50 ओवर की किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट को उठा के देख लें या ओवरऑल 50 ओवर की आईसीसी टूर्नामेंट की जो हिस्ट्री रही है जब से क्रिकेट शुरू हुआ है, तो शिखर धवन ऐसे इकलौते बैट्समैन हैं जिनकी बैटिंग एवरेज 65 प्लस की है। जैसा मैंने कहा कि पूरी हिस्ट्री में आप उठा के देख लीजिए, सारी 50 ओवर की आईसीसी टूर्नामेंट उठा के देख लीजिए, अगर आप सिर्फ उन बैट्समैनों को उठाएंगे जिन्होंने कम से कम 1000 रन मारे हैं, तो जैसा मैंने कहा शिखर धवन ऐसे इकलौते बैट्समैन हैं जिनकी 65 से ज्यादा की एवरेज है। ना ही विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं, ना ही सचिन ऐसे प्लेयर हैं, ना ही द्रविड़ ऐसे प्लेयर हैं, ना ही विलियमसन है, ना ही स्मिथ है, ना ही जो रूट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर है, द गब्बर शिखर धवन। फिर भी अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि वो टॉप 5 प्लेयर्स कौन से हैं जिनकी सबसे ज्यादा एवरेज है जब बात आती है ओडीआई की, आईसीसी टूर्नामेंट की, तो आओ तुम्हें वो टॉप 5 प्लेयर्स के नाम ही बता देता हूं। पांचवें नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा जिनकी एवरेज है 60.7। चौथे नंबर पे आते हैं सौरव गांगुली जिनकी एवरेज है 61.8। तीसरे पे आते हैं विवियन रिचर्ड्स जिनकी एवरेज है 63.3। सेकंड नंबर पे आते हैं सईद अनवर जिनकी एवरेज है 63.3। और फर्स्ट नंबर पे आते हैं जैसा मैंने कहा द गब्बर शिखर धवन जिनकी एवरेज है 65.1। तो कुल मिला के ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारत पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट में जा रहा है लगभग पिछले 10 साल के बाद जब उनके पास मिस्टर आईसीसी नहीं होंगे, या आसान भाषा में कहें आईसीसी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सूरमा नहीं होगा। किस किस को लगता है कि शिखर धवन का नाम यहां पे होना चाहिए था और किस किस को लगता है कि अब वक्त खत्म हो चुका है, शेर भूरा हो चुका है, थोड़ा सा घायल हो चुका है, अब उसका वक्त जा चुका है, उसको हमें नम आंखों के साथ अलविदा कह देना चाहिए, जो भी आपकी इस बारे में ऑनेस्ट राय है प्लीज कमेंट में जरूर छोड़िएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करना, रोज कहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।